18 घंटे सफर करके आप भरोसा करके आए, आपने हमारे साथ क्या किया? अच्छा मार्क्स नहीं है इस वेरिफिकेशन में, आपका पसीना साफ करता हूँ, ये होना चाहिए। अगर हक भी मेरा 110 बनता है मुझे 110 दे, अगर हक भी मेरा 109 बनता है फिर आपको बाप भी देना पड़ेगा, इंशाल्लाह आपको बाप दीजिएगा फिर मुझे, मुझे यहाँ से कोई भी नहीं उठा सकता। असल में मैं जाने वाला था पाकिस्तान, टिकट पे किए थे, मैंने कैंसिल कर दिए, तो तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक मुझे अपना हक नहीं मिलेगा। आप फिर डर जा रहा हूँ मैं अपने वसीफे से। क्या सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि हमारे टेस्ट के दौरान क्या हुआ, जिस तरह की इनकी सिक्योरिटी सख्ती, तकरीबन 10 जगह पर जो है हमारे जो है चेकिंग की, इन लोगों ने कभी कौन से स्कैनर के नीचे से, कभी कौन सा जो है मेटल डिटेक्टर, और वो तो ठीक है बच्चियों के अवाय भी उतरवाए इन्होंने और हिजाब भी उतरवाए, वो तो छोड़े, टेस्ट के दौरान तकरीबन 1.5 घंटे के बाद इन लोगों ने आके बच्चों के कानों में उंगलियां डाल के चेक करना शुरू कर दिया। एहतजाज इसलिए किया जा रहा है कि ये जो है हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारे जो आउट ऑफ सिलेबस MCQ आ रहे हैं 27, हमें इनके मार्क्स चाहिए। अब वो इनको जाहिर सी बात है देना इजी नहीं है, तो हम कह रहे हैं कि आप लोग जो है टिकट रिकंडक्ट, हम कल सुबह 8 बजे से शाम 4 या 5 बजे तक यहाँ पे रुके, और इनने हमसे कॉन्स्टेंटली प्रोमिस करते रहे कि हम मीटिंग्स कर रहे हैं, हम मीटिंग्स कर रहे हैं, और एंड पे हमें 3 बजे के करीब पता चला कि VC तो ऑफिस में था ही नहीं, VC आया ही नहीं। 5 बजे के करीब VC आया, उसने सारे पेरेंट्स और टीचर्स को बुलाया, और उसने ना हमारे एक टीचर को इस बात का दिलासा दिया कि मेरी 2 बेटियाँ हैं और मैंने अपनी बेटियों के साथ ऐसा नहीं होने दिया। हमारे मुतालबात हैं कि हमारी ना 30 MCQs आउट ऑफ कोर्स थे, जिसमें से और हमारी जब कीज़ बाहर आई तो उसमें कीज़ में हर बच्चे के डिफरेंट ऑप्शंस थे और हमारी कीज़ गलत थी, सो रॉन्ग कि मेरे अपने 185 मार्क्स बन रहे थे और अब मेरे 145 मार्क्स बन रहे हैं विद वाइट, और कीज़ में इतने प्रॉब्लम्स हैं। और फिर जब हमने दोबारा और कीज़ टैली की तो हमें पता चला कि जो हमारे एक एक सेम कलर के जो पेपर्स हैं उनके MCQs भी आपस में इंटरचेंज हैं, और इनकी इतनी नाअहली है, इनकी इतनी इनकॉम्पिटेंस है कि ये एक साल में 2 MCQs नहीं बना सके, ये एक साल में इतने इनके पास सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, ये लोग एक पेपर नहीं कंपाइल कर सके, और एक बंदा बच्चा, एक बच्चा गलत हो सकता है, 200-300 हज़ार बच्चा गलत हो सकता है, 18 हज़ार का 18 हज़ार बच्चा गलत हो सकता है। ये एहतजाज फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात पूरे ना हो, और हमारे कुछ मुतालबात हैं। नंबर 1 के ये जो की इन्होंने अपलोड किया है दिस इज़ टोटली रॉन्ग, इसकी जगह राइट की अपलोड किए जाएँ, और दूसरे ये जो 25 MCQs है आउट ऑफ सिलेबस इन्होंने प्रोवाइड किए हैं, इसकी वजह से हुआ क्या है कि बच्चों का मेरिट गिर चुका है। अब मेरा मुकाबला यहाँ शिजैम्बो वालों के साथ नहीं है, मेरा मुकाबला KPK वालों के साथ है। KPK में 190+ आ रहे हैं, 180+ आ रहे हैं, तो मैंने खुद ही शिजैम्बो का टेस्ट दिया है और मेरे 190+ MCQs मैंने क्रैक किए हैं, जिसमें से सिर्फ 140 करेक्ट है अकॉर्डिंग टू की भी गलत है, और 25 MCQs तो मैंने जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि वो आउट ऑफ सिलेबस प्रोवाइड किए गए हैं ना, तो एक तो की ये करेक्ट वो करे अपलोड करे जो करेक्ट की है ना, वही दूसरा ये कि 25 ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड करे, या अगर ये नहीं कर सकते ना ये दोनों मुतालबात पूरे नहीं कर सकते तो एग्ज़ाम रिकंडक्ट करना ज़्यादा बेहतर होगा। सुबह से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हम कैट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो हमने जिस चीज़ के लिए इतना वर्क हार्ड किया है, इतना मेहनत की है, हमें वो मार्क्स नहीं मिले। हमारा जो सिलेबस में से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए थे हमारे MCAT में, उन्होंने जो आंसर की हमें दी वो भी हमें गलत दी, जो हमारे सही आंसर्स मार्क हुए थे वो भी इन्हें गलत कर दिए। एंड नो वन इज टेकिंग एनी स्टैंड ओवर दिस, वी हैव वर्क टू हार्ड फॉर दिस, हमने बहुत मेहनत की है, और जब तक इंसाफ नहीं मिलता हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है, एंड नो वन रियली केयर्स हियर। हमारे एजुकेशन सिस्टम में किसी चीज़ को भी सीरियस नहीं लिया जाता, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हमें कोई रिप्लाई मिले, एंड वी आर गोना स्टे हियर एंड प्रोटेस्ट जब तक कोई रिप्लाई आता है इनकी तरफ से।